नहीं पा। दुर्गा पूजा को लेकर जोड़ा पोखर थाना में शांति समिति की बैठक की गई। सिंदरी एसडीपीओ प्रमोद केसरी, जोड़ा पोखर इंस्पेक्टर डिगवाडी बिजली विभाग के एसडीओ मौजूद रहे। वहीं शांति समिति की बैठक में एसडीपीओ प्रमोद केसरी ने पूजा को देखते हुए कई दिशा निर्देश दिए, जिसका स्वागत किए और शांतिपूर्ण पूजा संपन्न करने की बात कही गई। एसडीपीओ प्रमोद केसरी ने बताया कि पूजा में किसी तरह के खलल डालने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर जोड़ा पोखर थाना प्रांगण में आज शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें टाटा बीसीसीएल इलेक्ट्रिसिटी विभाग के माडा कर्मी अरण शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए और पूजा समिति के भी लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें के आलोक में हम लोगों के द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पूजा पंडाल में क्या क्या व्यवस्था करना है, सीसीटीवी लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से आपको उसका प्रमाण पत्र लेना है बिजली के लिए, अग्निशमन विभाग से भी प्रमाण पत्र लेना है ताकि आप अपने पंडाल में अग्नि सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था किया गया उसका प्रमाण पत्र हो सके, पंडाल के स्टेबिलिटी के लिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेने के लिए, वॉलेंटियर्स को लेकर और पूजा सुचारू रूप से कैसे संपन्न कराए, इन सभी बातों को लेकर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर नंबर डिस्कशन हुआ, जिसमें हम लोगों ने कई तरह के निर्देश और भी दिए हैं, जैसे फ्लैक्स बोर्ड लगाना, सीसीटीवी कैमरा का प्रचार प्रसार करना, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हुई है और विधि व्यवस्था सुचारू रूप से और पूरे सुचारू रूप से पूरा दुर्गा पूजा में रहे, इसके लिए हम लोग आवश्यक भी पुलिस बल कमिश्नर की प्रतिनिधि के संबंध में हम लोगों के द्वारा चर्चा की।